पर इसी तरह से हो जाता है, सुनवाई नहीं होता है। ये वाला कचड़ा जो होता है, सुनवाई कुछ नहीं है। कभी कहा ऐसे सुनो, इसी तरह होते रहता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप लोग को मैं दिखाऊंगा कि रोड किस तरह से है और दिल्ली में जो रहते हैं 10x10 के खोली में कितने लोग रहते हैं और किस तरह से गलियां होती है, बरसात में किस तरह से कचड़े होते हैं, कोई सुनवाई नहीं होता। ये मार्केट है और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे सब्जियाँ मिलता, शाम को आओगे तो यहाँ पे सब्जी मिलेगा आप लोगों को। और यहाँ से आप हम जो निकलते हैं, रूम से जो निकलते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं कि कोई सुनवाई नहीं होता और वहाँ पर गंदगी किस तरह से है। और ये मार्केट का जो इंट्रो है, मार्केट है, तो प्रॉपर मार्केट है। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से पानी भर रहा है, नाले का पानी। ये दिल्ली है भाई, दिल्ली, दिल्ली सरकार स्वस्थ सरकार की बात होता है, यहाँ पे हर चीज़ों की बात होता है, लेकिन गढ़ी गांव कभी सुधरने वाला नहीं है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस है इस्कॉन टेम्पल्स और लोटस टेम्पल्स। इस्कॉन टेम्पल्स गढ़ी गांव के बगल में है और लोटस टेम्पल्स कालका जी मंदिर के बगल में। और आप लोग देख सकते हैं जहाँ इस्कॉन टेम्पल्स की बात होती है, वहाँ पर आप रोड की हालत देख सकते हैं। आप ये रोड की हालत है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे पूरा बोला जाता है ना, ये दिल्ली नहीं, ये तो जैसे बोलते हैं ना, गांव में एक कस्बा होता है, एक छोटा सा गांव होता है, उसमें पानी निकासी का जगह नहीं होता, उस तरह से एक गढ़ी गांव है। गढ़ी गांव में सबसे ज़्यादा गंदगी अगर कहीं पर है तो गढ़ी गांव। और यहाँ पर आप लोगों को मैं सारा चीज़ दिखाया, बरसात अगर हो जाए तो आप लोग को तैर के जाना पड़ेगा, पैदल नहीं जा सकते आप लोग। और दिल्ली की इस्कॉन टेम्पल का बगल में गढ़ी गांव, अब सोचिए जहाँ पे लोग देश विदेश के लोग आते हैं इस्कॉन टेम्पल, उस जगह में इतनी गंदगी है तो आप सोच सकते हैं। आप लोग यहाँ पे कूड़ा उठाने वाले की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे कूड़ा उठाते हैं, साफ सफाई रोड में रखते हैं, लेकिन नाले की जो व्यवस्था है वो सरकार हर साल तोड़वा के तो बनाता है, लेकिन सही ढंग से बनता नहीं है। अरे ये देख रहे हो, ये दिल्ली है, दिल्ली से अच्छा तो अपना गांव है और आप लोग समझ सकते हो। और यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं, काम काज करने वाले लोग रहते हैं, यहाँ पे सारे लोग और अंकल यहाँ पे जूस बेच रहे हैं, तो जूस हम रोज यहीं पर पीते हैं, गिलास लगा दीजिएगा और आज भी पियेंगे, थोड़ा सा साफ सुथरा और अच्छे से बनाते हैं जूस, जिसके कारण से यहाँ पे पीते हैं। और आप लोग को मैं आगे दिखाऊंगा किस तरह से यहाँ पर व्यवस्था है, इस्कॉन टेम्पल के बगल में गढ़ी गांव की व्यवस्था को दिखा रहा हूँ आप लोग, तो थोड़े देर में आता हूँ। पहली जूस को पी लिया मैंने और अब जो है आप लोग को दिखा रहा हूँ कि यहाँ से जाने के बाद देखते हो ये गांव की स्थिति इस तरह रहती है, इस तरह से शहर की स्थिति है। आप लोग चाहते होंगे कि हम लोग शहर में रहें, तो आप सोचिए कि राज्य सरकार अगर, झारखंड सरकार अगर सही से व्यवस्था करती गांव में कमाने के लिए, व्यवसाय के लिए, तो यहाँ आने की जरूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि रहना खाना इसी तरह से है। ये शहर सिर्फ नाम का होता है, शहर सिर्फ नाम का होता है और आपको रहना है गांव से बेहतर जिंदगी जीता है लोग शहरों में, ये सच।
चाहिए तो शहर में रहते, उससे आप पूछिए कि कैसे ज़िंदगी जीते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को मैं लेके जा रहा हूँ, और आप लोग यहाँ से थोड़े ही दूर में हस्कुन टेम्पल मंदिर है, आप यहाँ पर जाइए। तो दर्शन जो होता है बहुत अच्छा व्यवस्था किया गया वहाँ पर, लेकिन उसके बगल में जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ पे वर्कर लोग रहते हैं, बिहार उत्तर प्रदेश के जो वर्कर लोग रहते हैं, वो सारे वर्कर किस तरह किस स्थिति में रहते हैं, वो चीज़ों किस तरह से गलियाँ हैं। अब रूम की तो व्यवस्था आप छोड़ो, रूम अगर आप लोगों को दिखा दूंगा तो आप एक दिन रूम की व्यवस्था दिखाऊंगा कि किस तरह से रूम की व्यवस्था है। तो सोचिए जरा, जो बोलते हैं कि हम कमाने के लिए जा रहे हैं, और कमाने के लिए आप गांव से दूर जाते हैं, वैसे लोग ये वीडियो को देखकर सोचिए कि किस तरह से जिंदगी जीना पड़ता है शहरों में, और शहरों को चकाचौंध की जिंदगी जीने के लिए सबको आते हैं, लेकिन हकीकत क्या होता है आप सब जानते होंगे, जो शहर में रहते होंगे ना वो सब जानते होंगे। शहर वही है, अपने बाजार चल जाइए और अपने बाजार को देख लीजिए, बस उसी तरह से शहर दिखाई देता है। शहर की जो चकाचौंध होती है, वीडियोग्राफी होता है, सिर्फ आप लोग को वो दिखाई देता है, लेकिन हकीकत जमीनी स्तर क्या है, जमीनी स्तर क्या है, जमीनी स्तर में जिंदगी इस तरह है, जमीनी स्तर में जिंदगी इस तरह है कि आप सोच भी नहीं सकते। सोचिए जरा, आप बोल रहे होंगे लेकिन हकीकत क्या है आप सोचिए जरा, कहीं ना कहीं आप कुछ समझ रहे होंगे। हर जगह पे कूड़ा करकट, साफ सफाई का जगह, कहीं शहर से अच्छा गांव है दोस्त, और गांव में रहना सबको अच्छा लगता है, लेकिन कमाई का जरिया नहीं होता, जिसके वजह से गांव में रहना लोग नहीं चाहते। लेकिन हकीकत यही है कि गांव से अच्छा शहर नहीं होता है, सिर्फ दिखावे के लिए शहर कहा जाता है। 10x10 की खोली में किस तरह से अपने बच्चे फैमिली पालते हैं वही जानते हैं जो लोग रहते हैं, और आप लोगों को मैंने दिखाया कि गढ़ी गांव की स्थिति क्या है। लोग गढ़ी गांव में रहते हैं लेकिन किस तरह से सर्वाइव करते हैं, और आपको ठीक हस्कुन टेम्पल मंदिर दिखाई दे रहा है, सामने हस्कुन टेम्पल मंदिर है, और अंधे इस मंदिर के अगल बगल पूरा साफ सुथरा आपको दिखाई देगा, पूरा दिखाई देगा, आपको लगेगा कि हाँ कोई मंदिर में मैं आया हूँ, लगेगा पूरा मंदिर। यहीं से हम लोग इंट्रो करते हैं और हस्कुन मंदिर की तरफ से ही जाते हैं। तो सच्चाई है, सच्चाई को समझिए, और मंदिर के बगल में ये सारे आपको मिल ही जाएंगे, मंदिर के बगल में ये फूल मालाएं ये मिल ही जाएगा आप लोग को, और भगवान का फोटो तो आपको मिल ही जाएंगे कूड़े में डाले हुए, ये हकीकत है, क्योंकि मंदिर के बगल में आपको कूड़ेदान नहीं भगवान दान मिलेंगे, भगवान कूड़े में मिलेंगे आपको। ये हमारी आस्था है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ों को समझने वाली बात है। और ये बाबा बैठे हुए हैं, ये बाबा नेहरू प्लेस में जाते हैं, दुकान में भी जाते हैं, दुकान से दान देना लेते हैं ना। चाहिए तो दुकान से दान दक्षिणा दिए जाते हैं लोगों को, और यहाँ से हम लोग जो है हस्कुन मंदिर के